नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बहुमत सिद्ध करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है जश्न का माहौल। गोंडा के बीजेपी कार्यालय के बाहर होली खेलने व पटाखे जलाने के साथ मनाया गया भव्य जश्न। जीत का प्रमाण पत्र लेने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह के बिगड़े बोल। कहा, एक बार फिर संसद में बैठकर आंख मारने का गेम खेलेंगे राहुल गांधी। नवनिर्वाचित गोंडा सांसद से पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि परिवारवाद पर अब नहीं मिलेगा वोट, जनता को चाहिए विकास। सांसद जी, अमेठी से राहुल गांधी की हार हो रही है, ये क्या संदेश देना चाह रही है जनता? देखिए, जो कभी नहीं हुआ कि आप जनता को बहुत दिन तक केवल एक नाम के बल पर वोट नहीं ले सकते, आपको काम भी करना पड़ेगा। वहाँ काम कुछ हुआ नहीं, केवल एक परिवार के नाम पर वोट लेते चले आए हैं, अब की बार जनता ने उनको नकार दिया है। सर, एक सवाल है कि महागठबंधन गठबंधन को भी आड़े हाथों लेते हुए सांसद ने कहा कि अब जो महागठबंधन की स्थिति है उसके बारे में मैं क्या जानूं, बुआ भतीजा आपस में समझे क्या है, तो हर चीज समझता आने के बाद महागठबंधन की स्थिति क्या होगी? अब जो महागठबंधन की स्थिति मैं क्या जानूं, वो लोग अपना समझे, बुआ भतीजे लोग समझे अपना क्या होगा। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कहा, इटावा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और इटावा का विकास करूंगा। जनता के विश्वास के चलते इटावा लोकसभा सीट पर भाजपा समर्थकों पर दिखा खासा उत्साह। नरेंद्र भाई मोदी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है। जो पिछले 5 सालों में देश की उन्होंने जो सेवा की है, आगे आने वाले समय में वो फिर 5 साल देश की सेवा समर्पित होकर कर सकेंगे। बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद बाराबंकी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड पर उतरकर एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। कार्यकर्ताओं ने गोले दागकर खुशी मनाई। भाजपा की शानदार जीत के बाद बरेली में दिखा जश्न का माहौल। लोगों ने खूब मिठाइयां बांटी, साथ ही पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। स्थानीय लोगों का कहना, बीजेपी प्रत्याशी से ज्यादा मोदी की जीत पर है खुश। कि आप बीजेपी से खुश हैं या मोदी जी से खुश हैं? मैं मोदी जी से और बीजेपी से 100% हूं। आज आप कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं कि आज बीजेपी की जो जीत हुई है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जीत एक बहुत बड़ी जीत है। बिजनौर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिजनौर जनपद के बिजनौर जनरल लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी मूलक नागर ने मनाया जश्न। पूर्व बीजेपी सांसद राजा भारतेंद्र सिंह को 70,194 वोटों से दी शिकस्त। लोकसभा के बिजनौर विधानसभा में खड़े हैं, पूरे बिजनौर लोकसभा का एक आम आदमी और एक राजा के बीच में लड़ाई थी और आम आदमी आज जीता है और राजा आज हरा। सांसद, जिस समय चुनाव हो रहे थे, जिस समय पे अभी काउंटिंग हो रही थी, आपने कहा था ईवीएम में कुछ गड़बड़ करी जा रही है, कुछ अब क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे ये कहना है कि गड़बड़ क्या थी क्या नहीं थी और पूरे देश में हल्ला है इस बात में तो, और सब चर्चाएं हैं और आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। मैं तो ये मानता हूँ कि जितनी गड़बड़ करने की कोशिश थी या गड़बड़ करी भी उतनी हमने सुबह भी कहा था साइड में निकाल दी, उसके बाद भी ऊपर वाले जहाँ जीत जाएंगे और ऊपर वाले जहाँ हम जीते। विकास कार्य की बात की जाए तो क्या विकास कार्य का मुद्दा रहेगा बिजनौर में आपका? मेरे हिसाब से आज तो एक नई शुरुआत है और आप लोगों का साथ लेकर के और तमाम इस लोकसभा के जो मौजूद लोग हैं उनके सलाह मशवरा करके शिक्षा पे, विकास पे, इंडस्ट्री लाने पे, किसान के समस्याओं पे और जो जो भी जनहित के मुद्दे हैं तमाम चीज़ों पे लेकर के जो जनहित में होंगे उनको लेकर के निर्णय लिए जाएंगे और सबको सलाह मशवरा करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिजनौर जनपद के नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी गिरीश चंद्र ने नगीना बीजेपी की सांसद डॉक्टर यशवंत सिन्हा को 1,67,847
वोट से हराया। समर्थकों का कहना भारी मत। बिजनौर से जीत हासिल करने के बाद बोले गठबंधन प्रत्याशी, सीट पर जो कार्य अधूरे हैं जल्द करूंगा उन्हें पूरा। भरोसा जताने पर मायावती का भी क्या शुक्रिया। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे नगीना लोकसभा से लड़ने का जो फैसला जो उन्होंने। हाथरस लोकसभा सीट से भाजपा के राजवीर दिलेर की बड़ी जीत। महागठबंधन प्रत्याशी सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन को दी मात। जीत की घोषणा के बाद भाजपा के लोगों में दिखा जश्न का माहौल। 260,000 वोटों से जीते हैं। चाहते हैं और इसके लिए कितना संघर्ष किया आपने? ये जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मेरे देवता तुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता की जीत है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदेशों का पालन करते हुए हमारे देवता तुल्य कार्यकर्ताओं ने जो कड़ी मेहनत का संघर्ष किया है, ये जीत उन कार्यकर्ताओं की है, जनता की जीत है। क्या पिछली बार जो चुनाव कार्य अधूरे रह गए उनको पूरा कराएंगे इस बार आप? इसके लिए बैठ के बात करूंगा, जो कार्य अधूरे होंगे बिल्कुल पूरा। बहराइच लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अक्षयवर लाल गोंडा 1,28,752 मतों से जीत हासिल की। गठबंधन प्रत्याशी शब्बीर वाल्मीकि और दूसरी प्रत्याशी कांग्रेस की सावित्रीबाई फुले को दी है मात। खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।